नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार के नारे की आज थाना प्रांगण में लोगों ने खूब खिल्ली उड़ाई। लोगों का कहना था कि जब छात्री स्कूल में सुरक्षित नहीं तो छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। मामला थाना क्षेत्र के गांव नगला दुहेली का है, जहां 8 वर्षीय प्राथमिक विद्यालय के चौथी क्लास के बच्चे को जूनियर हाई स्कूल के सह अध्यापक ने अपनी हवस का शिकार बना डाला और घर जाकर बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन बच्चा जब रोता हुआ घर पहुंचा तो परिजनों ने पूछताछ की तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। परिजन तुरंत पहुंचे और डायल 100 को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने सह अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया। मामला अलग अलग समुदाय से जुड़ा होने के कारण प्रभारी निरीक्षक अमरदीप लाल ने आरोपी सह अध्यापक अजीत सिंह के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दे दिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो जावेद आलम की खास रिपोर्ट। मेरा छोटा भाई है जी, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है 4th क्लास में। उसके साथ में वो पेड़ पर चढ़ रहा था, मास्टर उसे उतार के ले गए और उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया है। उसने घर आया और रोता हुआ उस पर चला भी जा रहा था, फिर बताया उसने आके कि मास्टर ने मेरे साथ ही किया। पहले भी कई बार उसने मास्टर ने इनके साथ छेड़छाड़ की, ये मुझे बता रहे थे। मैंने उनसे जा कहा तो मास्टर ने मुझे पहले ये कहा कि जी आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। कौन से गांव का मामला है? दुहेली नगला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहें।